सभी को नमस्कार। आज हम 10th क्लास में गणित चैप्टर नंबर 2 में बहुपद को लेते हैं और बात करते हैं कि बहुपद होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमें बहुपद के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि इसका संधि विच्छेद करें तो बहुपद से मतलब होता है बहुत सारे पद। हम पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद का अर्थ होता है बहुत सारे पद। अब इसमें बहुत सारे पद कौन कौन से हो सकते हैं? हम इसमें एक पदीय बहुपद भी कह सकते हैं, दो पदीय बहुपद भी कह सकते हैं, तीन पदीय बहुपद भी होंगे, चार पदीय बहुपद भी होंगे। उससे अधिक यदि कोई भी हमारे पास बहुपदों की संख्या होती है तो हम उसको कह देते हैं बहुपद। बहुत सारे पद हैं। एक पद में सिर्फ एक चर होता है, द्विपद में दो चर होते हैं, त्रिपद में तीन चर होंगे। अब ये तो हो गए पदों के आधार पर बहुपद। अब हम घात के आधार पर बहुपद की चर्चा करते हैं। बहुपद की घात एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। यदि हम पदों के आधार पर देखें तो यदि हम यहां लिख दें x तो ये एक पद है, यदि हम लिख दें x प्लस y तो ये दो पद हो गए, यहां लिख दें x प्लस y प्लस z तो ये तीन पद हो गए। अब यहां पर हमारे पास ये है तो बहुपद ही, बट ये एक पद वाला बहुपद है, ये दो पद वाला बहुपद है, ये तीन पद वाला बहुपद है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे पद हो जाते हैं। फिर आता है बहुपद घातों के आधार पर। घात किसे कहते हैं? किसी भी चर की, यदि ये x है, इसकी घात यदि यहां हम कुछ नहीं लिखी हुई है तो हम इसकी घात मानते हैं एक। यदि इसके ऊपर यहां दो लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं x की घात दो। ऐसे ही यदि यहां लिखते हैं x की घात दो और y की घात दो, तो यहां पर x की घात दो और y की घात दो में दोनों की घात दो है और ये द्विव पद भी है और द्विव घात भी हो गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि एक ही पद लिख दें, एक ही चर लिख दें, एज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी द्विघाती बहुपद है। यहां द्विघाती है, ये भी द्विघाती है, ये भी द्विघाती है। अब बात आती है यदि इससे आगे हम लिख दें एक्स की घात तीन, दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस चार, तो यह त्रिघाती बहुपद हो गया जिसकी घात तीन है। यदि इसके ऊपर आगे हम लिख दें कि एक्स की घात चार प्लस दो लिखा हुआ है तो यहां की घात चार हो गई, तो इसको चार घाती बहुपद हो गया। पद जितने चाहे जितने हो लेकिन घात चार हो गई तो इसको कहेंगे चार घाती बहुपद। अब बहुपद के लिए एक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि बहुपद हम किसे कहते हैं। तो ये तो हमारे पास बहुपद हो गए, बहुत सारे पद वाले, लेकिन बहुपद के ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि ये एक्स है तो वन अपॉन एक्स ये भी क्या बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स की जो घात है वो माइनस में हो गई। तो इससे ये हम याद रखें कि बहुपद की घात, बहुपद में चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। या यदि हम कह दें कि एक्स प्लस रूट एक्स है तो यह एक्स की घात रूट में हो गई, हाफ हो गई, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो हम इसको कहेंगे ये भी बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे उदाहरण जो हमने लिए थे इनमें सब में जो घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में है। यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो उसमें वो बहुपद नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कई बार कि पता करो ये बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद के लिए जरूरी है कि बहुपद में चरों की घात पूर्ण संख्या के रूप में होगी तो बहुपद होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है ग्राफ में यदि खींचा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये इसमें शून्यांकों की संख्या बताओ, शून्यांक कितने हैं। शून्यांक का मतलब ये होता है कि उसमें एक्स अक्ष को ये कर्व जो होगा, ये चाप जो होगा, कितनी जगह कट कर रहा है उतने उसके शून्यांक होंगे। यदि ये कहीं ऐसा होता तो ये तीन जगह कट कर रहा है, एक दो तीन, तो यहां तीन इसके शून्यांक होते। इसी तरह से हम यदि कोई दूसरा और ग्राफ होता और इस तरह से कट होता तो यहां सिर्फ एक जगह कट किया हुआ है तो इसका एक शून्यांक होगा। इसके आधार से आगे हम चलते हैं कि हम बहुपदों को आपस में प्लस में माइनस में लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं,
माइनस कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। यदि हम बहुपदों के बारे में बात करेंगे तो हम उनका योग भी कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। अब यदि हम इन्हीं को कहा जाए कि इन दोनों बहुपदों को जोड़ो, ऐड करो, योग करो, तो क्या कर सकते हैं? इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। यदि इनको कहा कि इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस भी कर सकते हैं, और यदि गुना कहा जाए कि इसको इसमें से गुना करो तो गुना भी कर सकते हैं। यदि हमें ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, क्वेश्चन हैं कि इनको गुना करो। यदि हम ये भी देखें कि यहां पर गुना करें तो क्या होगा, तो हमें गुना करने के लिए पहले कर चुके हैं 7th 8th क्लास में, 9th में भी किया है, तो इस x से इस x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इस x से 2 में करेंगे 2x आएगा, 1 से x में करेंगे तो x आएगा, 2 के 1 में करेंगे 2 आएगा, इसको हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हम गुना करके लिख देते हैं। यदि इसमें जोड़ना चाहें कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 करेंगे तो ये 2x प्लस 3 हो जाता है। यदि कहा जाए माइनस करो, x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 को माइनस करेंगे तो x प्लस 1 माइनस x माइनस 2, अब ये x कैंसिल हो गया, 1 माइनस माइनस 2 करेंगे माइनस 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें हमने इनको प्लस भी कर दिया, ठीक है, यहाँ प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, गुना भी कर दिया। तो बहुपदों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन भाग करने के लिए हमें स्पेशल केस स्पेशल स्थिति में जाना पड़ेगा। ऐसा भी आएगा कि किसी एक बहुपद को कहा जाएगा कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करो। जैसे अभी यहीं पर दे दें, ये कह देता है कि ये x स्क्वायर से भाग करो, इसको इससे भाग करना। ऐसे क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, अभी लेंगे हम उन क्वेश्चनों को, बट जब भाग करने की बात आती है तो हमें सिंपल सा भाग करना आना चाहिए। यदि हम इससे भाग कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 2 से भाग कैसे करेंगे, इस तरह से इसको पहले लिखेंगे और यहाँ x की घात 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे, तो यहाँ x की घात 3 हो जाएगा और 2 में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2x को लिखेंगे यहाँ। फिर यहाँ इसमें माइनस करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, ये हमें बचेगा 2x की घात 2, यहाँ से आएगा x प्लस 4। अब यहाँ 2x स्क्वायर लाने के लिए हमें इसमें क्या गुणा करना पड़ेगा, सिर्फ 2 से गुणा कर दे तो 2x स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो हमारे पास ये शेष पद बचा और ये भाग पद बचेगा। तो हम इस तरह से किसी बहुपद का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, हम इस तरह से बहुपदों को आपस में कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बहुपद क्या हुआ, फिर घात की बात कर रहे हैं, घात क्या होती है, घात हम बात कर रहे हैं कि जो चर की सबसे ज्यादा घात होती है, यहाँ 3 घात है या 2 घात है या 1 घात है, तो इनमें जो सबसे ज्यादा घात होती है उसको हम कहते हैं उसकी वो घात है बहुपद की। फिर है शून्यांक, फिर किसी भी बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, उनको हम कैसे निकालेंगे। शून्यांक अभी हमने ग्राफ पे देखा कि कोई भी बहुपद का कर्व कोई चाप यदि किसी ग्राफ को जितने जगह पर काटता है, x x पर काटता है, उतने उसके शून्यांक होते हैं। अब यदि हम 9th में पढ़ चुके हैं कि यदि x प्लस 1 कोई बहुपद है तो इसका शून्यांक क्या होगा, मतलब ये शून्य कैसे बनेगा, यहाँ x का मान क्या रखें जो ये शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तो प्लस 1 है, माइनस 1 रख दो तो जीरो हो जाएगा। इसको निकालने के ये लिख लेते हैं कि माना ये बराबर जीरो, अब ये जीरो होगा तो क्या होगा, इस एक को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस एक हो जाएगा। ऐसे ही यदि कहा जाए कि x प्लस 5 का शून्यांक क्या होगा, तो 5 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 5 हो जाएगा, ये इसका शून्यांक हो गया। यदि कोई इस तरह दिया जाए कि x माइनस 2 का शून्यांक क्या होगा, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। हमने शून्यांक का मतलब शून्य लेना है, शून्य बना दिया हमने उसको, वो शून्य बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए, तो कैसे बनेगा, यदि यहाँ 2 रखते हैं, 2 माइनस 2 जीरो आ गया, यहाँ 5 माइनस 5 रखते तो प्लस 5 जीरो हो गया, यहाँ माइनस 1 प्लस 1 रखते तो ये जीरो हो गया। अब ये तो हमारे पास एक घातीय बहुपद था जिसमें एक घात है और एक शून्यांक है। यदि दो पद वाले हो जाए, जैसे ये x प्लस 2 और x माइनस 1 था, अब ये देखेंगे ये जीरो कैसे बनेगा और ये जीरो कैसे बनेगा,
अब यदि तुम सोच सकते हो तो ये जीरो इसको करो कि ये दो जी, ये जीरो कैसे बन सकता है। यदि हम यहाँ एक्स में -2 रख दें तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ एक्स में 1 रख दें तो जीरो हो जाएगा। इसको भी कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि माना ये जीरो के हो बराबर हो गया, तो इसमें क्या होगा, या तो ये जीरो होगा या फिर एक्स माइनस एक जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, इन दोनों में तभी तो जीरो होगा, इनमें से एक तो जीरो होगा, तभी जीरो प्रोडक्ट होगा, जीरो की गुना करते हैं किसी में तभी तो जीरो बनता है। तो हमने ले लिया कि या तो ये जीरो है, इसमें दो को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -2, और यदि इसमें इधर एक को ले जाएंगे तो ये होगा, तो यहाँ -2 रखेंगे तो जीरो बनेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो जीरो बनेगा। यदि हम दो इस तरह के गुणनखंड हमारे पास हैं तो उनके बीच शून्यांक निकाल सकते हैं। लेकिन हमने 9th में सीखा था कि कोई इस तरह के नहीं, हमें दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करके, मध्य पद को ब्रेक करके। एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 है, इसके गुणनखंड ज्ञात करो। कैसे करते हैं, हम इसको इस पद को टुकड़े करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं, हम यहाँ a x² + b x + c से तुलना करते हैं, तो a क्या है 1, b क्या है 4, c क्या है 4, a और c को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी 4। अब 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 हो सकता है, और यदि 2 + 2 कर दे तो यहाँ पे तो 4 हो गया, हमने 2 × 2 किया तो 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इस 4 को बदल दें 2 + 2, और ये जो x बाहर है उसको एडिशन लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2x + 2x + 4 होगा, फिर यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे तो देखेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया तो x+2 आएगा, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये x+2 आएगा, x+2 x+2 फिर कॉमन ले लें तो दूसरे ब्रैकेट में भी x+2 आ गया, तो इनके शून्यांक क्या हो गए, मतलब ये शून्य कैसे बनेंगे। तो यदि -2 यहाँ रख दें तो शून्य होगा, फिर -2 यहाँ रख दें तो ये शून्य हो जाएंगे, तो हम ये दो शून्य बन गए। ऐसे कोई दूसरा बहुपद ले लें, x² + 5x + 6, इसके भी गुणनखंड कर ले, तो इसके गुणनखंड इस कैसे करेंगे, उसी तरह से a बराबर यहाँ 1 है, b बराबर 5 है, c बराबर 6 है, तो a और c को गुणा करेंगे 6 × 1 = 6, और 6 के जो गुणनखंड करते हैं तो ये हो सकते हैं, और 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 2 को लिख दें तो ये 5 भी तो हो जाता है, तो यहाँ क्या करेंगे, इस 5 को फिर लिखेंगे x² + 5x को लिखेंगे हम 3 + 2, इस तरह से लिख देंगे 3 + 2x। अब ये x अधिक होगा 3 में तो x गुणा करेंगे तो 3x होगा, 2 में करेंगे 2x आएगा और ये 6 हो जाएगा। अब यहां से कॉमन लें तो x कॉमन आएगा, x+3 होगा, यहां से भी कॉमन लेंगे तो 2 आएगा, x+3 आएगा, अब एक ब्रैकेट में आएगा x+3 तो दूसरे में क्या आएगा x+2, तो यहाँ x के मान क्या हो जाएंगे, -3 और -2, ये शून्यांक हो गए। जितने मान हैं उनको शून्यांक कहते हैं, उतने शून्यांक हो गए। यदि एक शून्यांक होता तो एक लेंगे, दो होता तो दो लेंगे। अब हम ऑलरेडी वैसे चर और अचर की बात कर चुके हैं, जो एक्स है वो चर कहलाता है और जो ये संख्या है ये इनको हम अचर कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो यहाँ भी ABC जो एक नंबर है, ABC हमारे पास कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, लेकिन एक्स जो है वो एक चर है, वेरिएबल है। ऐसे ही हम इनके गुणनखंड करने के बाद ये मानेंगे कि ये हमारे पास दो जीरोज हैं, दो शून्यांक हैं, तो यहाँ क्या होगा, इसको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। जब अल्फा बीटा मानते हैं तो यहाँ पर हम फिर एक क्वेश्चन पार्ट आता है, शून्यांकों का गुणांकों से संबंध क्या होता है। अब इसमें हम इनके संबंधों के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपस में क्या संबंध होता है। तो ये हम गुणनखंड को रफ करते हैं और फिर तुलना करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नया क्या है। अब हमारे पास बहुपद जो दिया हुआ है उससे इसका रिलेशन निकालेंगे। ये हमारे पास एक बहुपद है, मानक बहुपद, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स।
यहाँ पर एक्सिस का कोसेंट क्या है, ए, एक्स का कोसेंट क्या है, बी, और सी कोसेंट है, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक ए, बी, एक्स का गुणांक बी और अचर सी है। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारे पास अल्फा और बीटा, हम ये मान लेते हैं कि इसके शून्यांक है, अल्फा और बीटा दो शून्यांक है। तो इसमें आपस में इनका क्या संबंध होता है? अभी हमने एक बहुपद लिया था जिसकी हमने गुणनखंड करके दिखा है कि ये 2x प्लस 5x प्लस 6 है। इसके गुणनखंड हमने किए थे x प्लस 3 और x प्लस 2, जिसमें हमने x की मान निकाला -3 और -2। तो देखो कि इनमें ए अल्फा बीटा में हम यदि इनको अल्फा बीटा मान लें तो यहाँ क्या संबंध होगा? यदि हम किसी संख्या को x प्लस ए और x प्लस बी इस तरह से हमारे पास बहुपद के गुणनखंड हो तो उसको क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। ये हमारे पास पहले से ही हमने पढ़ा हुआ है 9th में भी 8th में भी, इस तरह से दो हमें कुछ गुणनखंड दिए हुए हों तो यदि उनको गुणा करेंगे तो इस तरह से होता है। यदि हम यहाँ एक्स प्लस अल्फा और ये एक्स प्लस बीटा लिख दें तो ये ए और बी इस तरह से रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये प्लस में है, हमने ब्रैकेट ओपन कर प्लस में आ गया, लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा हमने तो अल्फा बीटा दो शून्यांक लिए, हम इसको अल्फा बीटा ले लें और अल्फा इंटू बीटा ले लें, तो यहां क्या हुआ? मूलों का शून्यांकों का योग। योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा है और शून्यांकों का गुणनफल क्या है? गुणनफल हुआ अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहां हमने ए बी सी यहां हम ले रहे थे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो हमने जब ए बी सी को तुलना किया तो क्या था? यहां पर हमारे पास ए बराबर 1 था, बी बराबर 5 था, सी बराबर 6 था। तो अब ये देखो कि यहां हमारे पास 1 -3 आया, 1 -2 आया, तो क्या हम सी और ए को गुना कर रहे थे तो उसमें हमें क्या मिला था? 6 गुना 1 बराबर 6 था, जिसको आप 3 गुना 2 लिख रहे थे। यदि इसको -3 और -2 लिखेंगे तब भी तो हमारे पास 6 आएगा। अब यदि हम यहां 5 ले रहे हैं तो 5 को क्या लिखेंगे? वो 3 प्लस 2 लिख रहे थे, लेकिन हमारे पास तो ये माइनस में आ गए। तो जब माइनस में आ गए तो इससे पहले, जब दोनों संख्या माइनस में, तो इससे पहले माइनस ले सकते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास संख्या आई बी क्या है? देखो यहां अल्फा और बीटा यदि इन दोनों को जोड़े तो क्या मिला हमें? -3 -2 हो गया। इसको लिखेंगे आगे तो ये -5 हो गया। अब -5 कहां से आया? यहां तो 5 था और यहां ए जो है वो 1 है, सी 6 है। तो यहां हमारे पास ये यदि संबंध जोड़ना चाहे इनसे तो यहां 5 और 1 से संबंध हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/1। और देखो यहां पर जो 5 है वो क्या है? बी है और ये एक्स का गुणांक है, तो हम इसको लिख देंगे माइनस एक्स का गुणांक और बटे में क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये माइनस आ गया। क्यों माइनस आ गया? क्योंकि जब हमने इसको हल करा था अल्फा और बीटा जो हमने निकाले, जबकि यहां प्लस था, ये भी प्लस है, हमने ये प्लस ही लिए, लेकिन जब हमने इनको सोल्व किया, हल किया, तो ये एल एक एक्स की मान -3 आया, 1 -2 आया, शून्य अंक जो 0 थे वो माइनस में रखने पर ये शून्य बनेगा। तो
देखा अल्फा का मान -3, बीटा का मान -2, तो -3 -2 -5 हो गया, लेकिन हमारे पास बी का मान तो प्लस था, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस तो ये आ गया, लेकिन एक्स का गुणांक जो है वो 5 है जो बी है, और यहाँ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 है। अब इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करते हैं यदि, तो अल्फा -3 और बीटा -2 तो क्या हुआ 6, और 6 को यदि 1 से भाग करते तो क्या हुआ 6/1, और ये क्या 6 सी, इसको हम सी और अपॉन ए लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते थे यहाँ बी अपॉन ए लिखेंगे। अब यहाँ क्या है ये अचर पद हो गया ऊपर तो और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से हमारे पास ये संबंध आ गए हैं कि हमारे पास अल्फा बीटा का जो योग है, जो शून्यांकों का योग है वो क्या आता है माइनस बी अपॉन ए आता है, जिसको हम लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर। जहां शून्यांकों का गुणनफल की बात आती है तो अल्फा इंटू बीटा जो सी अपॉन ए होता है, जिसको हम अचर अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक लिखते हैं। तो ये हमारा शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हो गया कि इस तरह से हम संबंध निकाल सकते हैं। अब हम जो त्रिघातीय बहुपद है उस पर चलते हैं। त्रिघातीय बहुपद भी होता है कि ये तो द्विघातीय बहुपद था, अब त्रिघातीय बहुपद होता है उसमें हमारे पास 3 शून्यांक होते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, मात्र 3 घात होंगी त्रिघातीय, त्रिघातीय जो बहुपद होगा उसमें हमारे पास एक्स के मान 3 आएंगे, जैसे ए एक्स घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ हमारे पास जो एक्स घात है वो कितनी है, वो एक्स घात हमारे पास 3 है, तो यहाँ एक्स के मान भी हमारे पास 3 होंगे, और यहाँ 3 हम लेंगे यदि तो इनको मानेंगे अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यांक है। अब इनके योग भी आएगा गुणनफल भी आएगा, तो इनमें संबंध क्या होता है मूलों का योग अल्फा बीटा प्लस गामा का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, जबकि यहां हम जो तीसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा, यानी कि दो दो के प्रोडक्ट का योग, पहले दो का गुणनफल का दूसरे दो का गुणनफल का और पहला और तीसरे का गुणनफल का योग होता है सी अपॉन ए, और जब तीनों का गुणा करेंगे तो माइनस डी अपॉन ए होता है। तो ये संबंध हमारे पास होता है त्रिघातीय बहुपद का, जिसमें शून्यांक और उनके गुणांकों का होता है। तो ए बी सी कहां से मिले, ए एक्सिस क्यूब का गुणांक है, बी एक्सिस का गुणांक है, सी एक्स का गुणांक है, और डी अचर पद है। इस तरह से हम तुलना करके इनके संबंध को भी सत्यापित कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसमें हमें करना होता है कि यदि हमें मूलों का अल्फा और बीटा का मान मालूम है तो अलग कुछ वैरायटी अलग कुछ टर्म्स निकालनी होती हैं। यदि अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है, तो कई बार हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इस तरह के कुछ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चनों को फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है कि यदि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा इंटू बीटा ये है तो ये आंसर निकालो किसी बहुपद के, बहुपद दे देंगे कोई, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बहुपद दे दिया और कहा कि इसके मूल जो है अल्फा बीटा है और ये मान निकालो ये मान निकालो ये मान निकालो, इस तरह से कुछ भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, बट यदि ये आ जाए तो एलसीएम लेंगे कर देंगे, बट ये होगा तो क्या करेंगे, यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये एक आइडेंटिटी है उसको यूज कर लेते हैं। यदि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जरूरत पड़ेगी तो अल्फा बीटा का होल क्यूब
माइनस थ्री एल्फा बीटा और एल्फा प्लस बीटा को यूज कर लेते हैं, क्योंकि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमें मालूम होगा, यहाँ डाल देंगे आंसर निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और एक लास्ट में बचता है कि भाग का नियम। जब हम डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं, भाग का नियम क्या है कि यदि हमारे पास कोई भी बहुपद है पी एक्स है, तो एक जी एक्स से भाग करेंगे तो क्यू एक्स हमें भागफल मिलता है और आर एक्स जो है वो शेषफल मिलता है। तो ये एक नियम है, किसी भी बहुपद को, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे तो भागफल और शेषफल कुछ मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं तो उनको भी लेके हम करेंगे। तो अभी हम ये इस चैप्टर की ये बेसिक बातें सब क्लियर हुई, पूरी हो गई, हम इनको लेकर के कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है।